Hello students, I'm Divya Singh again in front of you. I will teach you maths of class 10th. Class 10th, chapter 3rd. A pair of linear equation. A pair of linear equation in two variables. Okay? So we will discuss about the third chapter of class 10 CBSE and CERT. A pair of linear equations in two variables. In 9th class, you have to taught about that. An equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0. So, beta, we will discuss a little bit of expression or equation. Because this was the expression that an algebraic expression. Algebraic, what is that? A combination of variables and constant with fundamental operators of mathematics, such like plus, minus, divide, multiply, addition, subtraction, division, multiplication. So, कोई भी equation expression, जैसे expression होता है, इसको usual life से हम लोग जोड़े हैं. तो suppose करिए कि इस जो ये is है कि हमारे father ने कहा कि हम लोग फलां डे को मतलब एक चले घूमने. एक दिन चलेंगे घूमने. You don't know, I don't know, no one about what is that day. कि we will visit. हम सब लोग घूमने जाएंगे. तो ये expression होगा चेहरे पे कि हम लोग मतलब कोई पूछे किस दिन जाएंगे, किस दिन जाएंगे. ठीक है. अब ये हो जाए कि हम लोग संडे घूमने जाएंगे, फला डे को घूमने जाएंगे. आय चेहरा ठीक है, आय तब तो घूमने जाएंगे. बढ़िया से फिक्स हो गया. तो एक्सप्रेशन अब इसको ऑफिशियल देखिए. फोर एडिंग अ नंबर. तो लेट द नंबर बी एक्स, तो लिखते हैं एक्स प्लस फोर. दिस इज एन एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन बिकॉज नो आउटपुट. भाई चीनी रखी है घर में, चाय पत्ती रखी है, दूध है, अदरक है, काली मिर्च है, गैस है, चूल्हा है, सब कुछ है, बट चाय तो नहीं है ना. कब सबको मिला देंगे और एक सिस्टम के तहत आउटपुट निकालेंगे, चाय बनेगी. उसे फोर एडिंग नंबर गेट सेवन. तो लेट द नंबर बी एक्स. अब ये इक्वेशन बन गया क्योंकि इसका आउटपुट तैयार हो गया. क्या तैयार हो गया? इसका आउटपुट. तो अब नाइन्थ क्लास में पढ़े थे हम लोग कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और टेंथ में पढ़ना है अ पेयर ऑफ, पेयर का मतलब दो, जैसे सूज होता ना, तो उसको क्या तो सूज, सूज का सिंगुलर फॉर्म है और सूज उसका प्लुरल फॉर्म है. तो सूज बोलते हैं या अ पेयर ऑफ सू. ठीक है, अ पेयर ऑफ सू. तो an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in two variable. ये linear equation in two variable है. यहाँ पे a, b, c real numbers हैं and a is not equal to 0, b is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. क्यों? अगर ये 0 हो गए, तो अगर a 0 हो गया तो x final हो गया, b 0 हो गया तो y final हो गया. जब x चला गया तो एक वेरिएबल बचा, y चला गया तो b वेरिएबल बचा, और दोनों चले गए तो कोई नहीं बचा. डांस करने सब चले गए तो कब क्या बचा? ठीक है. उसी तरीके से बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन two variable where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real number and a1 a2 b1 b2 never equal to 0. ये कभी भी 0 के equal नहीं होंगे. ठीक है, a1 b1 a2 b2 ये 0 के equal नहीं होंगे, तब ये linear equation in two variable. अब बेटा next question ये होता है कि equation का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. इक्वेशन का मतलब यही है, जैसे x प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल का है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, फोर उधर जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 आ गई. तो कोई इक्वेशन दिया दिखाता है सॉल्व द इक्वेशन. तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है? उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स, जो अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू फाइंड करना होता है, उसको क्वांटिटी को जानना होता है. तो यहां पे x की और y की वैल्यू जानना होगा कि क्या होता है. तो अब जैसे कोई काम करने के मेथड्स होते हैं,
अलग अलग काम करने के अलग अलग मेथड होते हैं, उसी तरीके से यहां के भी हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे। तो फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन देयर आर टू मेथड, क्या क्या होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल, और दूसरा होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड, ये होता है सॉल्व करने का तरीका, और एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका। यानी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। बेटा एल्जेब्रिक में तीन चीज आती है, एल्जेब्रिक में तीन चीज आती है। पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड, ओके। और तीसरा आता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन भी दिखाते हैं, एलिमिनेशन मेथड विलोपन भी दिखाते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इन द सेंस वज्रगुणनखंड विधि होती है। यानी ये थ्री मेथड से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड में एक और ऐड हो जाता है टैबुलेशन मेथड, टैबुलर मेथड होता है टैबुलेशन मेथड। जैसे नाइन्थ क्लास में आप जब ग्राफ करते थे, ग्राफ ग्राफ करते थे लीनियर इक्वेशन का, तो एक पहले उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। तो एक और चीज है कि जब ग्राफिकल मेथड की हम बात करते हैं, तो जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन होता है, तो जब हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है समझ लो कुछ खतरा है। जैसे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आसानी से कोई चीज मिल जाती है समझ लो कुछ गड़बड़ी है, बहुत ही प्रॉब्लम है, इसलिए बी केयरफुल एंड अवेयर फॉर योर फ्यूचर। बुजुर्गों ने भी कहा है जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उसका फ्यूचर भी उसके बारे में सोचता है। तो थिंक अबाउट योर फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की अगर बात करते हैं, तो अगर एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है, व्हेन यू ड्रा द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन देन अ लाइन स्ट्रेट लाइन विल बी कंटिन्यू, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो वो लीनियर इक्वेशन। अब अगर टू इक्वेशन है, अगर लीनियर इक्वेशन दो है, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब उसमें होता है तीन चीज बेटा, उसका क्या है उसको हम बता दें, ग्राफ को ड्रा करके बता। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, इन तीनों के रिलेशंस होते हैं। रिलेशन क्या होते हैं कि अगर हम इसको अरिथमेटिकल मेथड में रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करें, तो रेशियो में देखें कि इफ A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2, अगर A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, इसमें हो जाएगा बेटा, अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं उस इक्वेशन का, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या होंगी वो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2, तो तीसरे निकाल लेंगे C1, और इज नॉट इक्वल टू C1 upon C2, अगर उसके इक्वल नहीं है, तब ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पैरेलल लाइंस। और A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 upon C2, तीनों इक्वल है, तब क्या होगा बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कोई मतलब एक ही लाइन दूसरी लाइन डांस करेगी, और इंटरसेक्ट मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, पहले का मतलब विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब सॉल्यूशन की बात करें, ये तो ग्राफ हो गया कि
बिना ड्रा किए विदाउट ड्रा द ग्राफ ऑफ एनी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यू हैव टू जस्टिफाई दैट व्हाट फिगर क्रिएट इन ग्राफ. तो व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द टू लाइंस जितने इक्वेशन होंगे उतनी लाइन ड्रा होगी ग्राफ में. तो दो लाइन जो ड्रा होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी यानी वो दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो गया इनका रेशियो तो c1 अपॉन c2 अगर इक्वल है तो वो पैरेलल लाइंस होंगी यानी दो लाइन इस तरीके से जाएंगी कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. और अगर तीनों इक्वल हो गए तब तो बाजार बंद, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं. क्या करना होगा कोई ना एक ही दूसरे डांस करें तीसरी भी तीसरी भी डांस करें सब डांस करें. अब ये इस टाइप कौन से इक्वेशन होते हैं जैसे x + y = 5 है तो 2x + 2y = 10 है 3x + 3y = 15 है. ये सब इक्वेशन सेम ही है. ये 1/2, 1/2, 5/10, 1/2. तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हेन यू ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देन व्हिच टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो यू हैव टू चेक इन योर माइंड आल्सो. ज्यादा ज्यादा दिमाग यूज करिएगा और प्रैक्टिस करने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा ज्यादा दिमाग का यूज करेंगे तो दिमाग क्या होता है बढ़ता है थोड़ा सा एक्सपेंड होता है. तो ये अगर ये इनके कोफिशिएंट्स को ले लेंगे आप जनरली आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले लिया यहां 3x + 5y = 8 और 2x + 7y = 9 मान लीजिए. तो बेटा सीधी बात है a1x b1 c1 अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ +8 कर ले यहाँ +9 कर ले = 0 करेंगे जब उधर ले आएंगे -8 -9 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है. तो और अगर माइनस मान लीजिए यहाँ माइनस हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस उससे कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये माइनस होगा जैसे ये हमने प्लस लिखा था इसके पहले अंदर ले आएंगे माइनस हो जाएगा वो तो ट्रांसफर वाला मेथड है. तो बेटा a1 के जगह पे 3 है b1 के जगह पे 5 है और c1 के जगह पे -8 है a1 के a2 के जगह पे 2 है इन प्लेस ऑफ b2 7 इन प्लेस ऑफ c2 9. तो a1 / a2 3/2 b1 / b2 5/7 जब यही दोनों अनइक्वल होगा तो इसे निकालने की जरूरत नहीं. जब हमारा काम बगल की दुकान से हो गया तो हमें सिविल लाइन जाने की क्या जरूरत है हमें कहीं फलाना दुकान जाने की क्या जरूरत है जब बगल में काम हो गया. तो यही अब इन्हीं दोनों से काम होगा तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है. यानी इस इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस इक्वेशन की जो लाइंस ड्रा होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगे. और अगर तीनों दोनों इक्वल हो गए तब तीसरा निकालेंगे. अगर तीसरा अनइक्वल है तो पहला लाइन होगा तीसरा भी इक्वल हो गया तो कोइंसिडेंट लाइन. बेटा यही सॉल्यूशन में भी है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन के सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में क्रॉस करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले चेक करने के लिए आता है यू हैव टू चेक दैट दिस इक्वेशंस हैव कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट या डिपेंडेंट. तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि ये चीज है तब होता है यूनिक सॉल्यूशन. क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन मेरा मतलब क्या होगा यहां पे जो वेरिएबल होंगे उनकी एक एक वैल्यू ऐसी होगी जैसे दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी एक एक आंसर का और कोई आंसर नहीं होगा और ये होगा कंसिस्टेंट. अब अगर पैरेलल लाइन से तो नो सॉल्यूशन होगा. क्या होगा नो सॉल्यूशन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप चेक कर लेंगे अगर ये कंडीशन आ गई तो लिख देंगे इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस और ये होता है बेटा इनकंसिस्टेंट. ओके और तीनों इक्वल हो गया तो मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और ये भी कंसिस्टेंट में आता है. लेकिन सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक ही करना होता है सॉल्यूशन सिर्फ एक ही में करना होता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो इसी में सॉल्यूशन भी करना होता है. बाकी अगर ये दोनों कंडीशन आ रहे हैं तो सिर्फ आपको शो कर देना होता है ये कंडीशन आ गए तो इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ये कंडीशन आ गए तो इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस और जब ये कंडीशन आ गए तब आप सॉल्व करेंगे किसी न किसी मेथड से. ठीक है समझा क्या क्लियर हुआ बेटा इक्वेशन सॉल्व तभी होगा जब ये क्राइटेरिया होगी इंटरसेक्टिंग लाइन वाले यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. अगर ये क्राइटेरिया है कि तीनों इक्वल है या दूसरा इक्वल तीसरा इक्वल है इन क्राइटेरिया सिर्फ आपको लिखना होगा नोट डाउन
that the equations have no solutions, the equations have many solutions. Okay? But the first condition, then you have to solve the equations are substitution methods, are elimination method, or cross multiplication. तो इन methods के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे next video में. अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया. तो first of all, you have to focus that if anyone asks you that what is equation, an expression having equal sign is called equation. जब expression में equal sign लगता है, और equal sign लगने का मतलब output हम साल भर पढ़े, April से लेके जनवरी फरवरी तक पढ़े, मार्कशीट मिली नहीं, तो वो क्या हो गया एक्सप्रेशन, द मार्कशीट एंड एवरीथिंग एक्सप्रेशन. लेकिन जब हमने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया, वो क्या हो गया इक्वेशन. सॉरी, क्लियर है? तो अब आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बेसिक है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, और कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, उम्मीद है पसंद आया होगा. तो टेक केयर एंड कंटिन्यू डू प्रैक्टिस एंड स्टे होम. लॉकडाउन का पालन करें, बाहर ना जाएं, माँ बाप का कहना माने, बहुत जरूरी है पेरेंट्स का कहना मानना, क्योंकि पेरेंट्स हमारे जो हमारे बारे में सोच सकते हैं दुनिया कोई नहीं सोच सकता. सो ओबे योर पेरेंट्स, उनके अलावा कोई जिंदगी में अच्छा सोच नहीं सकता. ठीक है, तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, खाए पिए ऐश करें. ओके, थैंक यू.